मैं तो हुई ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे तो खुद को ऐसा लगता नहीं कि मैं हूँ करके, ऐसा सिम्टम्स लेके मेरे पास में एक व्यक्ति आया, बहुत दूर से आया। तो बोले मैंने आपका वीडियो देखा और मैं आ रहा हूँ आपके पास में, ऐसा पहले फोन किया और बाद में आ गया। बोले क्या होता है? तो उसको ऐसा लगता था कि मैं अपना दिमाग खाली खाली है, दिमाग में विचार जो है वो कुछ तो भी ऐसे इरेलेवेंट कुछ भी विचार आते रहते हैं जिसका कोई संबंध नहीं है अपने रोज के व्यवहार से। फिर कभी लगता है कि मैं तो हुई नहीं और मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ। फिर ये क्या है? तो पता नहीं ये क्या है, तो ऐसा वो बोल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये बॉडी क्या है? बोले नहीं मालूम नहीं क्या है, तो ये चल रहा है भाई। फिर उसको कुछ ऐसे भ्रम भी हो रहे थे। भ्रम कैसे हो रहे थे कि कहीं से तो भी आवाज आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है क्या। को ऐसा लगता था कि लोग है ना अपने बारे में बात कर रहे हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये ठीक आदमी नहीं है, बराबर नहीं है, ऐसा वो सोच रहा है, ऐसा इसको लगता है। उसने जाके कभी पूछा नहीं किसको। फिर कभी कभी कान में आवाज आ रही है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं या कान में किर ऐसी आवाज आ जाती है, उसको लगता है कि कोई तो भी बुला रहा है कोई। और लड़का तो अकेले ही है, मतलब उसको मालूम था कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, और उसको अच्छी इनसाइट भी थी, मतलब समझ में आ रहा था उसको कि उसको प्रॉब्लम है करके। बोले मैं ऑफिस में जाता हूँ मगर जितनी चाहिए उतनी प्रोडक्टिविटी में कर नहीं पाता, मेरा अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं रहता काम में, और फिर कैसा कैसा लगता है, उचाट लगता है दिल को, कभी नर्वसनेस लगता है, कभी लगता है कि ये जीने का क्या फायदा है, मैं जिया जी क्यों रहा हूँ, आदमी जिंदा क्यों रहता है, मतलब ऐसे विचार आते हैं। तो बहुत सारे उसको विचार आ रहे थे, बहुत सारा फीलिंग हो रहा था, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहा था। और जब मैंने देखा मेरे 41 साल के प्रैक्टिस में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको डायग्नोसिस क्या देना, मतलब है क्या उसको। और बोल तो रहा है, उसको इनसाइट भी अच्छी है। फिर उसको मैंने सच्चे ऐसा लगता है तुमको कि लोग तुम्हारा पीछा करें? नहीं, बोले ऐसा सच्चे नहीं है, मेरे को लगता है कि ऐसा होता, मतलब उसको कन्फर्म नहीं था, मोर और लेस इल्यूजन्स थे, डिल्यूजन नहीं थे। तो उसको ना ठीक है देखते हैं। फिर उसको मैंने काउंसलिंग के लिए पहले सेशंस दिए, उसके साथ साथ दवाई चालू किया, दवाई में लो डोसेस ऑफ एंटी साइकोटिक्स एंटी डिप्रेशंस दिया, हिप्नोथेरेपी किया। हिप्नोटिज्म में होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डायरेक्ट हम रीप्रोग्रामिंग करते हैं, हैमरिंग करते हैं, उसको समझाते हैं। फिर उसको मैंने ये समझाया काउंसलिंग में कि भाई आप बोलते कि मैं हुई नहीं और मैं कहाँ हूँ, तो ये बताइए कि ये हाथ किसका है, मतलब उसका हाथ पकड़ के, मतलब ये हाथ किसका है, बोले हाथ मेरा है, मतलब ये पैर किसका है, तो बोले मेरा पैर है, मतलब तू जो शर्ट पहन रहा है किसका है, बोले शर्ट मेरा है, मतलब ये कान किसका है, बोले ये मेरा कान है, मतलब तू सब तो बोल रहा मेरा मेरा मेरा, सब मैं मेरा ऐसा बोल रहा हूँ, बोल रहा है, तो फिर मैं है ना, इसलिए तो बोल रहा कि मेरा है करके। बोले हाँ हो सकता है कि मैं हूँ, मतलब फिर मैं कहाँ है, तो बोले हाँ मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ, मतलब ये मैं जो ये अपने बोलने में, ये अपने समझने में, ये तुम्हारी बॉडी है, और मैं कहाँ हूँ, तो मैं एक कॉन्वर्सेशन का जरिया है कि मैं, अदरवाइज जो भी आप कर रहे हैं ये बॉडी है, जो भी आप कर रहे हैं वो विचारों से कर रहे हैं, वो विचार ब्रेन में है, ब्रेन में विचार आते हैं, ब्रेन में फीलिंग होता है, ब्रेन में एक्सप्रेशन होता है, और वहां से जो भी आपको कुछ लगता है वो एग्जीक्यूट करना है वातावरण में, तो वो बॉडी से होता है। तो ब्रेन और बॉडी ये दोनों मिला के, और ब्रेन मतलब विचार इमोशंस ना, ये मिला के, और ये जो अभी तक का जो पास्ट है वो पास्ट, ये सब मिला के, और ये बॉडी मिला के आप है। मतलब ठीक है, बोले आप जचरे, बोले बात आप जो बोल रहे हो, और जब ऐसी बात किया उसके साथ में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसको दिया, हिप्नोथेरेपी के सेशंस दिए, उसको विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस ये सब करने लगा है, दवाई दिया, तो करीब करीब 10-12 दिन में वो ठीक हो गया। बोले मैं तो इतना घूम रहा हूँ पूरा इंडिया और मुझे कहीं ये मिला ही नहीं इस तरह का इलाज, अभी मैं अच्छा हो गया। तो क्या है कि ये संभव होता है, ये अच्छा अभी तक नहीं हुआ इसलिए कि उसको जो है ना घर वाले लोग ऐसे ही बोल रहे थे, यार कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर कोई जीपी के पास में गया तो कुछ नहीं हो रहा है, विटामिन्स की कमी है। यूजुअली जीपी लोग क्या बोलते हैं पता है, बोलते तुम्हारा बीपी कम है या विटामिन B12 कम है या विटामिन D3 कम है, वैसा डायग्नोस हो जाता है। एनीमिया है या सफेद पीलिया हुआ है, मतलब सफेद पीलिया क्या होता है, पीलिया है ना तो सफेद है, बोले सफेद पीलिया हुआ है, तो ऐसा कुछ तो भी डायग्नोसिस कर डालते लोग। एक्चुअली उनको हो सकता है कि उनको डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, या अर्ली साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, पता नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन था सभी इसका और वो ठीक हो गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कुछ मेडिकल हेल्प मिल सकती है। ऐसा कुछ लगा तो आप जरूर आपके पास के प्रोफेशनल व्यक्ति को कांटेक्ट करके आपका इलाज कर सकते। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।